से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से देखने को मिल रहा है कि तैयारियां की जा रही है और मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू है। और वहीं पर जम्मू में भी आज बीजेपी का दो रोज़ा इजलास शुरू हुआ है। आज इजलास शुरू हुआ है और कल भी इजलास जारी रहेगा। और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जो जी कृष्ण रेड्डी है, तरुण चुग है, आशीष सूद सूद जो है इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और इस मीटिंग में जो उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया जाएगा। और आज जम्मू में बीजेपी का इजलास है और आज से शुरू है और दो दिन का इजलास है और कल भी जारी रहेगा। जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों पर है, हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। काफ़ी कम वक्त बचा है लेकिन पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी तरफ से कोई भी कसर ना बचे। और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में भी जो तैयारियां जोरों शोरों पर है और आज बीजेपी का जो इजलास है वो शुरू हुआ है और जी कृष्ण रेड्डी जम्मू पहुंच चुके हैं और मीटिंग भी अभी जारी है। क्या कुछ खास है इस मीटिंग में, अभी तक क्या कुछ होगा और आने वाले वक्त में क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम वक्त जो है अब बचा है इंतखाबात होने के लिए। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा कि आज जो ये बीजेपी की तरफ से मीटिंग है, क्या कुछ खास है, अभी तक कौन कौन पहुंचे हैं और क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? जो बिल्कुल, देखिए दो दिवसीय ये बैठक रहने वाली है और बेहद ही अहम ये बैठक है क्योंकि उम्मीदवारों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा कि किन उम्मीदवारों को आम जनता के समक्ष खड़ा किया जाए। क्योंकि देखिए चांसेस ये भी बन रहे हैं, सोर्स से भी बता रहे हैं कि नए चेहरे आ सकते हैं। अगर नए चेहरे आएंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो रिलेट कर पाएगी, क्योंकि देखिए पुराने उम्मीदवारों की बात करें तो कहीं आम जनता जो है वो निराशा भी प्रकट करती हुई नजर आई है। तो चांसेस 50% चांसेस ये भी है कि नए उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल बैठक की बात करें तो दो दिवसीय बैठक रहने वाली है, आज और कल ये बैठक रहेगी और कुछ समय के बाद ये बैठक शुरू होगी। फिलहाल उससे पहले जो है वो श्री जुल्फकार चौधरी की ज्वाइनिंग होगी, जो कि जी कृष्ण रेड्डी जो है वो ज्वाइनिंग करवाएंगे। इस समय मैं आपको बता दूं कि कार्यालय में बीजेपी कार्यालय में इस समय मौजूद हो यहाँ पर इलेक्शन इंचार्ज जी कृष्ण रेड्डी को, इंचार्ज आशीष सूद, स्टेट इंचार्ज तरुण चुग और अन्य बड़े नेता जो है वो इस मीटिंग में के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय के बाद ये बैठक शुरू होगी। लेकिन अहम देखिए ये है कि उम्मीदवार क्या कौन रहने वाले हैं, वो कौन उम्मीदवार होंगे जो कि आम जनता के समक्ष खड़े जाएंगे और विचार विमर्श करने के बाद यानी कि लिस्ट तैयार करने के बाद जो है वो दिल्ली में सांसद समिति बैठक के बाद जो है वो अंतिम मोहर लगाई जाएगी। और अहम मैं आपको बताती चलूं कि इस माह के अंत में जो है वो चार बड़े लीडर जो है वो जम्मू कश्मीर में रैली करेंगे, कैंपेन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और साथ ही साथ जेपी नड्डा, ये चार बड़े लीडर होंगे। इस माह के अंत में रैली होगी और सितंबर तक जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, जहां पर बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है, लेकिन जम्मू में जो बाकी पार्टीज है उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जो बिल्कुल, देखिए कल भी एनसी की तरह द्वारा जो है वो एक बैठक जो है वो देखने को मिली थी, जिस प्रकार से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो इलेक्शन जो है वो अपने बलबूते पर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। और कल रक्षाबंधन है, कल सोमवार है, तो कल जो है वो एनसी की बैठक देखने को मिलेगी। और ये एनसी की बैठक जो है वो श्रीनगर में रहने वाली है और जहां पर कैंडिडेट को लेकर जो है वो विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस समय की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज इस समय पूरी तरीके से जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है, कार्यक्रम किए जा रही है, बैठकों का सिलसिला जो है वो इस समय जारी है और पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि आम जनता के बीच उतर कर किस प्रकार से जो है वो भारी मतदान में वोट जो है वो हासिल किए जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि जम्मू में ये जो इजलास है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त जी किशन रेड्डी भी जम्मू पहुंच चुके हैं और मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाया जाएगा।